वो ये है कि कोट कैंपस में गोलीबारी का कांड हुआ था। कोट कैंपस में जो गोलीबारी हुई थी ये आज से एक महीने पहले हुई थी। इस पूरी घटना का उद्भेदन किया गया था, इसमें कल्याणपुर के एक मुखिया थे रामबाबू, उनके अतिरिक्त उनका पूरा गिरोह था जो शराब का एक नेक्सस चला रहा था। उसमें जो एक मेन शूटर था उवेश, उसको गिरफ्तार किया, जेल भेजा गया था। साथ ही उसमें जो लाइनर था दो दिन पहले गोलू, उसकी गिरफ्तारी की गई थी, और गोलू के साथ जो भी एसोसिएट लोग थे उनकी भी गिरफ्तारी की गई थी। लेकिन इसमें जो घटना स्थल पर कोर्ट कैंपस के अंदर आकर के फायर किया था, उसमें दो जो साफ शूटर थे वो हम लोगों को घटनास्थल पर जब घटना हुई थी तभी पता चला था कि जो पहली गोली थी वो अवैश ने चलाई थी जो कि मिस कर गई थी, लेकिन बाकी गोली जो उनके पैर में लगी थी, एक और जो बंदी है उसको लगी थी, वो दो शार्प शूटर ने चलाई थी, उनकी गोली मिस नहीं की थी। वो दोनों शार्प शूटर जो है वो रांची के रहने वाले थे। इनके लिए SIT सब इंस्पेक्टर मुकेश के नेतृत्व में और सब इंस्पेक्टर आनंद शंकर के गौरव में लगातार झारखंड जो है वो गई हुई थी और रेड कर रही थी। तो उसी क्रम में इसमें दो मेन जो शार्प शूटर थे छोटू और कृष्णा, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। जब इसको पूरा हम लोगों ने निकाला तो पता चला कि जो गोलू था, गोलू का संपर्क दुर्गेश से था, और दुर्गेश जो व्यक्ति था इसका 2011 में ही छोटू से रांची में मुलाकात हुई थी और वो लगातार ऑन एंड ऑफ टच में रहता था। तो छोटू ने, गोलू ने जब ये ठेका लिया था रामबाबू से मारने का 60 लाख का, उसके बाद इसने दुर्गेश से संपर्क किया और दुर्गेश ने इनको टच में दिलाया छोटू और कृष्णा के। तो छोटू और कृष्णा को इन्होंने ऑफर दिया था 12 लाख का कि 12 लाख ये छोटू और कृष्णा को पेमेंट करते, बाकी उवैश को देते और बाकी पैसा गोलू अपने पास रखता। ये दोनों शूटर थे, इन दोनों की गिरफ्तारी रांची से जाके SIT ने कर ली गई है। इस गिरफ्तारी के लिए SIT को हम लोग रिकमेंड करेंगे क्योंकि दोनों शार्प शूटर की गिरफ्तारी एक ही दिन में कर ली गई है। इन जब शूटर से पूछताछ हुई तो दुर्गेश वाला एंगल क्लियर हुआ, साथ ही ये भी क्लियर हुआ कि दोनों शार्प शूटर ने करीब 4 से 5 हत्याएं की हैं, रांची में ही की है इन्होंने और झारखंड में ही दो जिलों में इन्होंने हत्याएं की थी और तीसरा अटेम्प्ट इन्होंने यहां लिया। तो ये लोग प्रोफेशनल शूटर्स थे, पैसे के लिए शूटिंग का काम करते थे, किसी को भी मार देते थे। ये लोग 23 तारीख की शाम में रांची से बस से निकले थे और 24 तारीख को सुबह ये यहां पर आ गए थे ताजपुर बस स्टैंड के पास। गोलू इनको रिसीव करने गया था अपनी गाड़ी से। रिसीव करने के बाद गोलू ने इनको वास्तु विहार में जो फ्लैट है उस फ्लैट में रुकवाने की व्यवस्था की थी। वास्तु विहार के उस फ्लैट में ये लोग लगातार रुके थे। रुकने के बाद ये लोग 26 तारीख की घटना थी, ये एक दिन पहले रिकी करने नहीं आए थे, 26 तारीख को ये लोग आए और इन लोगों ने, गोलू आया था 25 तारीख को, लेकिन 26 तारीख को दोनों शूटर आते हैं बाहर वेट करते हैं। वेट करने के पश्चात ये पूरे कोर्ट को, कैंपस को समझ लेते हैं और जब ये जो प्रभात चौधरी जो अपराधी था जो निकल रहा था जब पेशी के लिए, तो उस समय जो टेनी नाम का लड़का था वो इनको चिन्हित करा देता है क्योंकि ये लोग पहले फोटो या उसको पहचान नहीं रहते, लेकिन टेनी के कहने पर ये लोग उसको पहचान लेते हैं। पहचानने के बाद जब वो वापस आता है तब ये दोनों शार्प शूटर उस पर अटैक करते हैं। तो इस घटना में जो कोर्ट कैंपस की सेंसेशनल घटना थी, इस पूरी घटना का उद्भेदन अब समाप्त हो गया है। इसमें अभी सिर्फ जो रामबाबू राय के जो साथी हैं जो प्लानिंग में इन्वॉल्व थे, नीरज इंदल एक्सेट्रा, उन जो कल्याणपुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, उन सब की गिरफ्तारी के लिए टीम जारी है, टीम अभी कार्य कर रही है। लेकिन जो मेन दो शूटर थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। 18 तारीख को अगर आज हम लोगों की टीम गिरफ्तार नहीं कर पाती, कल इनको रांची से गिरफ्तार किया गया, आज जेल भेजा जा रहा है। 18 तारीख को ये लोग फिर लौटने वाले थे। इन लोगों को गोलू ने फोन पे के माध्यम से कुछ पैसा ट्रांसफर कर दिया था, उस पैसे ट्रांसफर की जब कन्फर्मेशन हो गई तभी ये लोग यहाँ पर आए थे। कितना पैसा गया ये हम लोग फोन पे से जानकारी लेंगे। अब इनका बाकी बचा जो पैसा था उसका पेमेंट नहीं हुआ था। इनको ये भी जानकारी नहीं थी कि गोलू पकड़ा गया है क्योंकि उससे टच में नहीं थे। घटना के बाद ये लोग आपस में फोन वोन बंद कर लिए थे और 18 तारीख को पुलिस लाइन में, 18 तारीख को यहाँ पर ये लोग फिर आने वाले थे अपना बाकी पेमेंट लेने के लिए। उसके पहले ही SIT ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और आज जेल भेजा है। थैंक यू।